से जो लिपोड़ा रेजिडेंस एवं टिटवाला से। हम यहाँ के दर्शकों से बात करने आए हैं कि ये इनके गांव में क्या क्या विकास हुए और क्या क्या विकास नहीं हुए। हेलो, हमारा नाम नंदीपाल है। कहाँ से हम? यूपी प्रतापगढ़ से, सुनावा गांव है हमारा, वहाँ से हैं। आप बता सकते हैं कि वहाँ पे बच्चों के इलाज के लिए क्या क्या अस्पताल बने हैं और क्या क्या नहीं? वहाँ पे कुछ प्राइवेट हैं और एक जिले का वो सरकारी है हॉस्पिटल। बहुत अच्छी सुविधा नहीं है उधर। हम लोग इलाज के लिए बॉम्बे आए हैं और हमारी वाइफ को कैंसर पेशेंट हैं, उसी के सिलसिले में यहाँ आए हैं। इलाज यहीं से हो रहा है टाटा हॉस्पिटल से, उसी सिलसिले में यहाँ आए हैं हम लोग। अच्छा, बता सकते हैं क्या मोदी जी ने कैंसर पेशेंट्स के लिए क्या क्या किए? नहीं, कैंसर पेशेंट के लिए सुविधा है कि ट्रेन में जो है कंसेशन है आने जाने का, और अभी तो हमारे प्रतापगढ़ में कोई ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं कैंसर पेशेंट के लिए। और आप किसका किस चीज़ का इलाज करने आए हैं? हमारी वाइफ को कैंसर पेशेंट है। और आप? और हमारा तो ब्रेन ट्यूमर का हमारा इलाज चल रहा है। आप कौन से हॉस्पिटल? हमारा ये थाना में है एक जुपिटर हॉस्पिटल, वहाँ से इलाज चल रहा है। अभी हम दिखाए हैं, फिर एक साल के लिए, एक साल बाद हमको बुलाए हैं, फिर हम अगले साल फिर आएंगे दिखाने के लिए। तो बहुत प्रॉब्लम है, चल रहा है इलाज। आप हम बता सकते हैं क्या रिटायर हो रहे के बाद पेंशन इतनी लेट क्यों मिलती है, और क्या आप चाहते कि पेंशन बहुत जल्दी? नहीं, पेंशन तो जल्दी मिलनी चाहिए, लेकिन हम लोगों को कोई पेंशन है नहीं। हमारे लोगों को कोई पेंशन, हम तो गांव के हैं, गांव के रहने वाले हैं, हमारी कोई पेंशन नहीं। हम बेरोजगार लोग हैं कि थोड़ा मोड़ा खेती बाड़ी है, उसे काम चलता है। और सरकार का काम बहुत लेट से हो रहा है, मतलब बहुत देरी से हो रहा है। मतलब अगर वो काम एक दिन में पूरा हो सकता है तो सरकार उसे 5 दिन में पूरा करते हैं। आप बता सकते हैं उसके लिए क्या करना चाहिए सरकार? सरकार को उसके लिए ठोस कदम उठाना चाहिए फटाफट जो है, चाहे तो कुछ भी हो सकता है। यूपी गवर्नमेंट चाहे, उसके बाद केंद्र सरकार चाहे, मोदी जी बैठे हैं, मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री हैं, अच्छे विकास पुरुष हैं, और हमारे यहाँ यूपी के जो हैं योगी जी बैठे हैं, और चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं और कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हम लोग उनसे संतुष्ट हैं, पर हमारे शहर में भी इतना विकास नहीं हुआ है, हम लोग विकास से वंचित हैं, और हमारे गांव में भी रास्ता नहीं है जाने का। जैसे कोई इमरजेंसी आ जाए तो गाड़ी नहीं जा सकती है, कोई रास्ते नहीं मेरे गांव का। हमारा गांव सुनावा है और प्रतापगढ़ सिटी से मात्र 4 किलोमीटर है, लेकिन कोई रास्ता नहीं है कि हम लोग नहीं जा सकते। हमारे अभी चुनाव हुआ, वहाँ के विधायक जी संगम लाल गुप्ता थे, और अब वो सांसद भी हो गए हैं। हम लोग उनसे भी आशा करते हैं कि हो सकता है कि अब सांसद हो गए हैं रास्ता बन जाए। और ग्राम प्रधान वगैरह इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, कोई काम ही नहीं करते हैं। और अभी गांव में हमारे शौचालय भी नहीं मिला है, और ना प्रधानमंत्री का जो वो आवास है वो नहीं मिला है। अब हम लोग पेशेंट हैं, हम लोग अपना भाई परेशान आदमी हैं, तो अभी कोई योजना का लाभ मिला नहीं है। प्रधानमंत्री तो बहुत कुछ दिए हैं, पर योजना का लाभ अभी मिला नहीं हम लोगों को। सिर्फ एक योजना का लाभ मिला है, एक दो योजना का, जैसे गैस सब्सिडी है वो मिला है, और किसान सम्मान निधि वो मिला है प्रधानमंत्री जी का। और इसलिए हम लोग सब मिल के, अब की पूरा गांव हमारा, पूरा हर प्रतापगढ़ मिल के हम लोग उन लोगों को वोट किए हैं, पर अभी बहुत विकास से दूर हैं, रास्ता नहीं है। मेन प्रॉब्लम रास्ते का है, रास्ता नहीं है, आवास नहीं है, शौचालय नहीं। सरकार ने तो किसानों का कर्ज माफ करने के लिए भी एक ऐसी योजना निकाली थी? नहीं, निकाली थी, कुछ लोगों का कर्ज माफी हुआ, ऐसा नहीं है कर्ज माफी हुआ। जो सरकार ने निकाला था हमारे यूपी से वो हुआ, लेकिन अब हम लोगों का कर्ज नहीं था, तो इसलिए हमको बहुत उसमें वो नहीं है। आपका कितना कर्ज? नहीं, मेरा कोई कर्ज ही नहीं था, कर्ज हम नहीं लिए थे, इसलिए मेरा कोई कर्ज माफ नहीं हुआ, तो हमारा कोई कर्ज था ही नहीं। अच्छा, ठीक है, थैंक यू।